नालागढ़ में आवारा पशुओं का आतंक से लोगों का नालागढ़ में आना जाना हुआ मुश्किल। ऐसा ही उदाहरण उस समय पेश आया जब सरकारी बस का परिचालक ताराचंद को आवारा सांड ने टक्कर मारकर घायल कर दिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लोगों ने घटना के बारे में बताया कि बस अड्डे में आवारा सांड ने कंडक्टर को टक्कर मारकर घायल कर दिया। अच्छा क्या बात है दादा, एक जो ज्यादा टाइम लेके जा रहे थे ना जी, जैसे चढ़ने लगा वो सांड लगे पेट में, वो सांड ने मारा। अच्छा सांड ने इनको, सांड आवारा पेट है पर सांड छोटे और जैसे खड़े लगा चढ़ने और पीछे मारे से और जान नीचे गिर गए। तो कितने की चोट लगी इनको? पता नहीं, पीठ में जा रहा है, गोड्डे में, पीठ में दर्द हो रही है, पीठ में दर्द चल रहा है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे कि भी ये इतने जो मतलब ये तो हमारा पशु तो कोई रोकता जिनको सारा दिन देख लो आप, सवेरे 2-2:30 बजे से लगे पीड़ने, तो कभी 2 आ जाते कभी 2 चल जाते, कोई देखता नहीं, कोई देखता नहीं। और एक तो यहाँ सारा दिन बाइक बस स्टैंड पर पड़ा बाइक और गाड़ी को, बस मोड़ने की बड़ी दिक्कत, बस लग जाती अंदर और हमारा पशु बाइक के दिन में देखना आपने आ गया क्या क्या हालत है। नालागढ़ के इमरजेंसी वार्ड में तैनात चिकित्सक ने बताया कि फिलहाल परिचालक की हालत ठीक है और परिचालक के एक्सरे करवाए जा रहे हैं। तो मतलब ये ट्रीटमेंट यहीं हो जाएगा या कहीं? अभी एक्सरे की रिपोर्ट आई है, उसको देखते हैं, अगर फ्रैक्चर वगैरह हुआ तो फिर थोड़ा देखा पड़ेगा, अदरवाइज यहीं ट्रीटमेंट। जी प्रोफेशन है। नालागढ़ से अजय रतन की रिपोर्ट।